ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप का न्यू रोज फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज इसका यूज करूंगा, जिन सभी का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो इस वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और गाइस बेल आइकन को अभी तक यार जिस भाई ने प्रेस नहीं किया ना गाइस प्लीज यार कर लो, क्योंकि गाइस कई भाइयों के पास ना नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, तो गाइस प्लीज यार बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस चलिए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को तो गाइस इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है एंड इसको पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करना है। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। ठीक है, पोज मैटर नहीं करता है गाइस, आप पोज जो है किसी भी टाइप का कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो पीएनजी कैसे लगाना है वो तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आपको जो है गाइस कुछ हाइट वगैरह जो है आपको इस मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो जो मतलब कि आपकी चेस्ट वगैरह जो है एंड हैंड तक ही मतलब इतना साइज रखना। बाकी गाइस शेडो जैसे मेरी फोटो में कम है तो मैं यहाँ पे इसका जो शेडो यहाँ पे बढ़ा दूंगा। अगर आप में भी कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हो तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना। बाकी अभी इसको हम डन करते हैं एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, अब आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आप सभी को रोज का जो पीएनजी इसको ऐड करना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। भाई गाइस जो आपको इसके बगल में जो लीव्स वगैरह दिख रही है आपको सिंपली इसको इरेज कर देना है। ठीक है, मतलब इसका कोई काम नहीं है फोटो में तो हम इसको नहीं रखेंगे, आप लोग उसको इरेज कर देना है। बाकी आप चाहो तो इसे रख भी सकते हो। ठीक है, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि इरेज करना है, मतलब कि आप थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसको रख भी सकते हो। तो बाकी मैं अभी इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या करना है वो मैं बताता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, तो इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे गाइस देखिए यहाँ पे आपको रोटेट वाला ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हो, अदरवाइज या फिर आप यहाँ से मतलब कि ऊपर से भी जो रोटेट का ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पे रोटेट कर लिया। फिर आपको सिंपली अपने जो लिप्स के पास है आपको इसको फ्लावर मतलब कि रोज को ले जाना है। ठीक है, एंड रोज को ले जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको इरेजर टूल में जाना है, एंड इरेजर टूल में जाने के बाद इसका हार्डनेस फुल करना है। अब जो फिर उसके बाद जो है आपको मतलब कि जैसे गाइस देखिए ऊपर की तरफ जो जो मतलब कि मोटा मोटा एरिया जो भी है ना आपको सिंपली इसको रेज करना है, ताकि इससे लगना चाहिए कि जो आपने जो फ्लावर्स है ना जो मतलब कि रोज़ है फ्लावर कह रहा हूँ सॉरी जो रोज़ है आपके आपके माउथ के अंदर आपने मतलब पकड़ रखा है। ठीक है, तो आपको ये दिखाने के लिए आपको ये करना है। ठीक है, तो आपको इसका मतलब ऐसे रेज करना है जो कि पता भी ना लगे। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से आराम आराम से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रेज करना है। बाकी इतना जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस जाना है ऐसे अगेन ऐड फोटो में, एंड गाइस आपको यहाँ से लेना है ब्लड का पीएनजी। ठीक है, तो ब्लड का पीएनजी लेना है गाइस, एंड उसके बाद आपको जो अपने माउथ के पास इसको सिंपली ऐसे रख देना है। ठीक है, इस तरीके से, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना आप सभी को इसमें ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको यहाँ पे रखना है मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे कम कर लेनी है हल्की सी, कुछ इतनी रख लेते हैं अराउंड 75 तक, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसको मूव डाउन कर देना है। फिर बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आपको सिंपली यहाँ से रेजर टूल में जाके आपको ऊपर से एंड जो नीचे से जो भी है उनको यहाँ पे आपको सिंपली रेज कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट गाइस अभी क्या है कि मतलब कि इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, डन करना है, एंड गाइस देखिए ये इतना खास दिख नहीं रहा है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हमें इसका साइज जो है ना बड़ा करना पड़ेगा, जो ब्लड जो आपके माउथ से निकल रहा है इसको आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले आप कर लेते हैं, इसको जो है आपको इसको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड इसका ओवरले रख लेंगे ताकि जो है अच्छे से दिखे, तो ब्लेंडिंग मोड भी आप ओवरले रख लेना, इसका जो साइज है कुछ इस टाइप से इतना बड़ा रख लेना। ठीक है, तो ये लग रहा है आप इतना अमेजिंग, तो आप इतना परफेक्ट है। ठीक है, तो आपको भी कुछ स्टेप्स रख लेना है, एंड देखिए गाइस जब भी परफेक्ट तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, तो अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं डन। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को ये विग्नेट का पीएनजी, एंड इसको ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है, एंड यहाँ पे गाइस इतना परफेक्ट है, अब इसको यहाँ पे कर देना है डन। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड गाइस इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो गाइस यहाँ पे हमने फोटो को ऐड कर रखा है पहले से, तो अब हम जाएंगे इस लाइट वाला ऑप्शन में, जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, एंड जो हाईलाइट है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, एंड जो शेडो है हम इसको इंक्रीज करेंगे, एंड जो व्हाइट है इसको हम यहाँ पे कम कर देंगे, एंड जो ब्लैक है इसको भी हम कम कर देंगे। फिर जाएंगे गाइस यहाँ से हम कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो का जो टेम्परेचर दिख रहा है गाइस आपको उसको भी कम कर देना है। बाकी आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस इसको बढ़ा देना है। ठीक है, फिर इसका जाना आपको रेड कलर में, जैसे गाइस रोज जो है हमारा रेड है तो हम इसका जो है ह्यू बढ़ा देंगे, सैचुरेशन भी प्लस कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से डार्क ब्लू में, आपको इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, क्योंकि गाइस हमें फोटो में ब्लू कलर नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कलर के नीचे वाले टूल में जाना है, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की जो क्लियरिटी है आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको यार नीचे मिलेगा आपकी ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ाना है, एंड जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है, फोटो में नोड रिडक्शन डाल देना है, एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।